हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपको रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज आपको ये एक प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं जो क्लास 10th 12th सबके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। ये कैसे कोई मेटल जो है HCl से या फिर H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, या फिर वो रिएक्शंस होता है तो कैसे होता है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपको हर वो रिएक्शन जो मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिकल करा पाऊँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका ये लैब है, ठीक है। इस लैब में अपने पास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक तरफ अपने पास पोटेशियम है ये, और ये क्या है, सोडियम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेटल्स के स्ट्रिप लिए हुए हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, ये हो गया आपका एल्युमिनियम, ये आई थिंक हमने आयरन लिया है, और ये कॉपर लिया है, ठीक है। आपको इसका नाम जो है मैं डिस्प्ले करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रिप है ना, वो स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या क्या है तो देख रहे हैं। ये मैग्नीशियम का स्ट्रिप है, ये एल्युमिनियम का है, ये और जिंक का है, ये आयरन का है, और ये कॉपर का, मतलब ये पतला पतला सीट है। इसको क्लीन किया जाता है, मेरा बैटरी लो हो गया, इसको क्लीन किया जाता है। क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर हो जाता है जिसको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कहते हैं। और वो लेयर क्या करता है, रिएक्शंस होने से थोड़ा सा इसको वो करता है, बचाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सैंड पेपर लिया है, सैंड पेपर वही रेग मार्क भी कहते हैं जिसको साफ करने के लिए यूज करते हैं, वो पेपर है ये, ठीक है। अपने पास यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कि डाइल्यूट HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इसमें कि इनको एक एक करके हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि इसमें डाल दिया हमने, तो जैसे ही डाला देखिए रिएक्शन से स्टार्ट हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने डाला इसको रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। ये पहला वाला जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये वाला, ये किसका है, मैग्नीशियम इसमें डाले हैं स्ट्रिप। दूसरे वाले में क्या डाले हैं, एल्युमिनियम डाले हैं। तीसरे वाले में जिंक डाले हैं, चौथे में आयरन डाले हैं, और पांचवे में कॉपर डाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें हो रहा है, तो आप देखेंगे HCl जो है उसके साथ मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना, पहला वाला ये वाला मैग्नीशियम वाला बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, उससे थोड़ा कम एल्युमिनियम वाला हो रहा है, उससे थोड़ा कम जिंक वाला, उससे थोड़ा कम आयरन, उससे थोड़ा कम कॉपर। कॉपर में हो ही नहीं रहा है, कॉपर में हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है, इसको थोड़ा सा देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और जूम करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होता है तो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन जो दिया है ना, पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें कह रहा है कि क्या जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन हो रहा है उसमें। पहला ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से कि अपने पास जिंक में सबसे ज्यादा हो रहा है कि मैग्नीशियम में ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो बी नंबर में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, तो बी वाला ही हमारा ऑप्शन होगा, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि इसमें मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना, उसके बाद से क्या लिखा है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम है, उसके बाद से देख रहे हैं जिंक, तो जिंक भी है, उसके बाद से आयरन, तो आयरन भी है, और उसके बाद से कॉपर, कॉपर भी है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा, देखिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये रिएक्शंस जो हुआ है अपना वो कैसे हुआ है, उसको देखने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दो। आपको पता है ना कि मैग्नीशियम जो होता है वो कौन से ग्रुप का होता है, तो दूसरे ग्रुप का होता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो दो होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कितने रिंग है, एक ये वाला, दूसरा रिंग और तीसरा रिंग, मैं पॉइंट से बता रहा हूँ। तो तीन रिंग है, तो पहले वाले रिंग में देख रहे हैं दो अपने पास ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद से आठ और ऊपर वाले में दो बाहर वाले में। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, तो ये तो डोनेट कर देगा, ये किस कौन सा है, मैग्नीशियम वाला है ना, तो ये क्या करेगा डोनेट कर देगा, किसको डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन वाला, लाल वाला क्या है हाइड्रोजन, तो इसको डोनेट कर देगा, दे देगा। देखो कैसे देगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसको हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन को, इसको एक, इसको दे दिया और एक दे दिया इसको। अब जैसे ही ये दे दिया, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा भाई पवन सर कॉर्नर में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है भाई पवन सर, केमिकल इक्वेशंस आपका दिखा रहा है कि मैग्नीशियम जो है अपने पास, मैग्नीशियम उसने क्या किया कि Mg प्लस टू था, तो इसने क्या किया, Mg प्लस टू ने अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया है, दे दिया है, दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। और हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आपको इस प्रैक्टिकल में क्या पता चला कि हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होगा जब हम उसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इक्वेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, इक्वेशन है एल्युमिनियम और HCl का रिएक्शन कराया तो ये क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम जो है अपने पास, एल्युमिनियम वो सॉलिड फॉर्म में है, उसका रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ, HCl के साथ जैसे ही कराया तो रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि हमें AlCl3 मिला, क्योंकि एल्युमिनियम के पास कितना होता है, तीन इलेक्ट्रॉन होता है, दे सकता है, और उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। लेकिन तो सब में देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले एल्युमिनियम में भी हाइड्रोजन गैस निकला है, इसमें भी, दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जिंक में भी, आयरन में भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो कॉपर होगा उसमें HCl के साथ अगर रिएक्शंस कराएंगे तो रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। तो बागे अब इसको अगर मान के चलियो कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है तो उसको देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखिए मैग्नीशियम जो रिएक्शंस करता है तो उसको देखने के लिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मेटल जो है कैसे रिएक्शंस कर रहा है, तो जिसको बिल्कुल ही जूम कर दिया हमने, तो वही मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, दो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन और एक इसको दे देंगे। तो हाइड्रोजन के पास जो H प्लस था, हाइड्रोजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो हाइड्रोजन क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और मैग्नीशियम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस तरीके से ये जो है रिएक्शंस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम आपको अगले, फिर जो अपने पास क्या कहते हैं वीडियो होगा जो भी एक्सपेरिमेंट का, वो लेकर के आऊँगा, ये याद रखिए। और देखिए इसमें कंपोनेंट्स का नाम भी याद रखना होता है, तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये लैब का बेड है, ये इसको बेड कहते हैं, है ना, ये अपने पास ट्यूब होल्डर कहते हैं इसको, ये होल्डर है ना, ये टेस्ट ट्यूब है दोनों, है ना, ये अपना स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप है, सैंड पेपर भी होता है। तो जैसे जैसे आपको जो जो चीज़ हमें मिलता जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि एनिमेटेड वीडियो आपके लिए अच्छा से अच्छा लेकर के आए और समझाएं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, अगर रिएक्शन होगा तो, जैसे कॉपर का नहीं हुआ तो कॉपर में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरा वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना इस पर व्यू आएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं फिर आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.